नारायण 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 नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। हमारी प्रार्थना, पकड़ लीजिए अपना हाथ। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। अपना हाथ थमा दीजिए नारायण के हाथ में। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम अठारह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। नारायण 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 नारायण। हाँ, ये बोर्ड बराबर दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं। पीछे वालों को बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, चलिए। हर व्यक्ति चाहता है सुख शांति समृद्धि से भरा जीवन, सफलता से भरा जीवन, और साथ ही साथ हम सभी चाहते हैं अपने जीवन में प्यार आदर सम्मान प्रशंसा एवं केयर बोल लीजिए या कदर बोल लीजिए, ये चीजें हम अपने जीवन में चाहते हैं। आपको जवाब देना होगा यदि चाहते हैं तो। हाँ, हमने देखा कि जितना ये महत्वपूर्ण है सुख शांति समृद्धि सफलता से भरा जीवन, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि हमें अपने जीवन में प्यार आदर सम्मान प्रशंसा कदर, ये सारा कुछ भी चाहिए है। यदि एक तराजू में हम यदि तोलते हैं कि ये भारी है या ये भारी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, तो बराबर में तुलेंगे। ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है, तो इसके लिए और इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज उस पर चर्चा। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इन दोनों को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, आसान और सरल रास्ते आप तक। खाली चीज़ों को आपको समझना होगा, यदि चीज़ें समझ के भीतर उतर गई तो सोच लीजिए जिस क्षण भीतर उतर गया उसी क्षण आपके हाथ में ये भी, लेफ्ट हैंड में ये और राइट हैंड में ये।
हर व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की ऊर्जा होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। दोनों पे मिल दो। हाँ, हमसे जुड़ी वस्तु, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, सब में दो प्रकार की ऊर्जा। पर आज हम सिर्फ, क्योंकि हमारा इस पर फोकस है, तो सिर्फ खाली जो हमारे भीतर ऊर्जा है, सकारात्मक नकारात्मक, उसी की बाबत चर्चा करेंगे और दूसरी चर्चा नहीं करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी और नकारात्मक एनर्जी, एकदम शांत है, एकदम शांत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, नकारात्मक ऊर्जा भी और ये सकारात्मक ऊर्जा भी। अब कैसे पहचानेंगे ये, इसका रूप क्या है और इसका रूप क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का रूप है जो हमारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष का भाव है, ईगो है। ईगो किसे कहते हैं? ईगो के वक्त हम अड़ जाते हैं जिद पर, मैं करूंगा तो ऐसा ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अड़ना, जिद करना, ये आता है ईगो की श्रेणी में। अब सकारात्मक ऊर्जा का रूप अच्छाई, भलाई, करुणा, सहनशीलता, विनम्रता, धैर्य, पवित्रता, ईमानदारी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जब हम, हमारे यहाँ पर दो स्विच लगे हुए हैं, दो स्विच है और बहुत सेंसिटिव है। जब हमारे भीतर ये भाव आता है क्रोध का या ईर्ष्या द्वेष का या ईगो का, भाव आते से ही ये बटन दब जाता है। हमने कहा बहुत सेंसिटिव, टच स्क्रीन बोलते हैं ना, टच किया और जस्ट भाव आया, ये बटन दबा, नेगेटिव बटन दबा, और ये ऊर्जा जो शांत अवस्था में थी, एक्टिव नहीं थी, इस बटन के दबते से, जैसे आप मोबाइल फोन स्विच ऑन करते हो, वो ऑन हो जाता है, ये सुप्त ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है। अब चूंकि ये ऊर्जा तो शांत बैठी हुई है, ये ऊर्जा एक्टिव है, तो ये धीरे धीरे पूरी जगह फैल जाती है। ये फैली और ये क्या करती है भीतर, जरा ध्यान से देखिए, भीतर फैलने के बाद डर, घबराहट, बेचैनी क्या पैदा करती है? ये डर, घबराहट, बेचैनी, इसका साइड इफेक्ट है ये। जब ये डर, घबराहट, बेचैनी भीतर प्रवेश कर जाती है और ये डर, घबराहट, बेचैनी बाहर निकलती है और किसे आकर्षित करती है? दुख, दरिद्रता और अशांति को। किसे आकर्षित करती है? दुख, दरिद्रता, अशांति को। इसके साथ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत, ईगो, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, है ना? ये साथ में चलता है, ये पैकेज साथ में चलता है। जैसे आप एक सिक्का हाथ में लेते हैं, आपको किंग चाहिए होता है हमेशा,
किंग आपने लिया, स्केल उसके पीछे पीछे आता है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। हट्टा अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसके साथ ये निश्चित है किंग के साथ, ये आपने व्यवहार किया, ये होना ही होना है, और ये होना ही होना है, तो ये पैकेज भी आपके साथ में आएगा, साथ में आएगा। इसमें आपको चॉइस नहीं मिलती है। जो ही आपने जरा सा भाव लाया, ये बटन दबा, ये बटन दबा, इसका कनेक्शन यहाँ पर, नकारात्मक ऊर्जा जागृत हुई, उसने डर, घबराहट, बेचैनी पैदा की, और डर, घबराहट, बेचैनी की तरंगे बाहर जाके क्या लाती है? दुख, दरिद्रता, अशांति। दुख हम ये कह दे कि हर्ट, ये शब्द आजकल ज्यादा प्रचलित है। मुझे बहुत हर्ट हुआ, आपने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मुझे बहुत हर्ट हुआ, ये लेकर आती है। इतना समझा? ये एक की सिक्का ऐसा किया, ये आना और इसको लाना, ये व्यवहार आपका, ये आपके हाथ में है, ये व्यवहार किया, इसका आना, इसको लाना। अब जब आपने ऐसा व्यवहार किया, अच्छाई भरा, भलाई भरा, करुणा भरा, ईमानदारी भरा, इसमें से कोई भी कार्य किया, भाव भी आया कि मुझे इसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, किया नहीं अभी व्यवहार अच्छा, मुझे ईमानदारी बरतनी है, मुझे विनम्रता भरा व्यवहार करना है, या मुझे पेशेंस रखना है, अभी रखा नहीं है, खाली भाव भीतर आया है। क्या हुआ है? भाव भीतर आया, ये बटन हमने कहा ना बहुत सेंसिटिव है, इमीडिएट दब जाता है, ये दबा, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी सुप्त अवस्था में थी, ये जागृत हो जाती है और पूरे इसमें फैल जाती है, फैल जाती। जब ये फैलती है तो ये लाती है आपके जीवन में खुशी, आनंद, उत्साह। क्या लाती है? इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, खुशी, आनंद, उत्साह। ये व्यवहार किया, इसका आना और इसको लाना। समझा? ये व्यवहार, इसका आना सहज है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किंग है, इसके पीछे पीछे ये सेना आती है और इसको लाती है। आपको, आप देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है ऐसा व्यवहार करो। ये करो किसके पेरेंट्स ने सिखाया है क्या? क्रोध करो, ईर्ष्या करो ना, चाहे खुद भले कितना भी कर ले वे, पर बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बच्चों को तो ऐसा ही बनने को कहते हैं, कोई भी हो, चोर हो, डाकू हो, पर अपने बच्चों में यही चीजें डालने की कोशिश करता है। पहले हम इस भाषा में समझते थे, ये पुण्य है, ये पाप है। क्या समझते थे? ये पुण्य है, वो पाप है। अब सोफिस्टिकेटेड वे आ गया है, पॉजिटिव ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा। पर तब ये पता नहीं था कि इसके साथ ये पैकेज है और इसके साथ ये पैकेज है। खाली पुण्य और पाप की भाषा मालूम थी, पर इसके साथ ये और ये जुड़ा है, ये नहीं पता था, है ना। आप किसी भी सत्संग में जाइए, किसी भी सत्संग में जाइए, वे आपसे ऐसा ही व्यवहार करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? भलाई करो, अच्छाई करो, ईमानदारी बरतो, विनम्र रहो, पेशेंस रखो। कोई भी सत्संग आपसे ये नहीं कहता,
कि यदि उसने ऐसा व्यवहार किया गलत, तुम भी करो ना, कोई सत्संग नहीं कहता। ये आपको ऐसा ही करने कहते हैं, कहते तो ऐसा ही करने हैं, पर ये नहीं बताते कि उससे ये लाभ मिलने वाला है ना, इसलिए ये भीतर उतरता नहीं है। जब निकलते हैं सत्संग से बाहर तो ये होता है कि अगर ये ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, और ऐसा व्यवहार करेंगे तो पूजा जाएगा। पर नारायण शास्त्र कहता है, क्यों कह रहे तुमसे ऐसा व्यवहार करने के लिए, क्योंकि इसके साथ ये आएगा और ये आएगा तो ये लेकर आएगा। इसलिए बेस क्यों बोल रहे हैं ऐसा व्यवहार करने, ये आएगा और ये लाएगा, है ना। तो अधिकाधिक हमारी कोशिश, प्रबल कोशिश NRSP की, टीम वर्क है ये, कि ये अधिकाधिक आपके भीतर रच बस जाए। पता है जब बारंबार सत्संग में आओगे तो बारंबार ये चीजें सुनने मिलेगी, बारंबार ये बटन दबेगा ना, जो ही ये सुनोगे ये भाव तो अंदर आएगा ही आएगा, ये बटन दबेगा, ये एक्टिवेट होगा। पर पता है आपको, जब किसी आप मोबाइल का कोई बटन बारंबार दबाते हैं वो बाद में अटक जाता है, हम चाहते हैं अटक जाए तो परमानेंट ये व्यवस्था हो जाए। क्योंकि एक बार में एक ही बटन दबेगा या तो या ये है, दोनों में से एक ही है ना, बारंबार सुनोगे चर्चा करोगे ये दबता जाएगा, और ऐसी व्यवस्था कि वो अटक जाए, परमानेंट ये व्यवस्था हो जाए। आपने थर्मस देखा है क्या, थर्मस है ना, उसकी सामर्थ्य उसके भीतर ठंडे को ठंडा रखना, गर्म को गर्म रखना, उसकी खासियत है, ठंडा भर दोगे ठंडा रहेगा, गर्म भर दोगे गर्म रहेगा। पर यदि आप चाहोगे आधा ठंडा आधा गर्म भर दूं, संभव है क्या? तो ऐसा ही ये गणित यहां भी लागू होता है, या तो ये दबेगा या ये दबेगा, और हम आपको इसे दबाने नहीं देंगे, इससे बारंबार संदेश दे देकर कि इसे ही रखना है, आपको इसे ही प्रेस करना है। और सत्संग के दौरान ही, संडे होता है बुधवार होता है, उस दिन इतना दबा देंगे कि बराबर ये रहेगा एक महीने तक। चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस हमारा सुख शांति समृद्धि सफलता भरा जीवन, और साथ ही साथ हमें प्यार भी चाहिए, आदर सम्मान भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, कदर भी चाहिए, केयर भी चाहिए। शुरुआत करते हैं राघव से। राघव कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सकारात्मकता, अच्छाई खोज ही लेते हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें से भी अच्छाई खोज लेंगे, फिर उसे पकड़ लेंगे, फिर उसी की बात करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे, और उसकी इतनी चर्चा कर देते हैं कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हो ही जाती है। आगे लिखते हैं कि इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं केशव से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया। बात कुछ ऐसी थी कि मैं भी मुंबई में रहता हूँ, केशव भी मुंबई में रहता है, पर मैं अपने कंपनी के काम से एक महीने के लिए दिल्ली गया हुआ था किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अभी दिल्ली गए हुए मुझे 2 ही दिन हुए थे कि मुझे समाचार मिला कि केशव का छोटा भाई माधव, उसे जबरदस्त अटैक आया है, अस्पताल में भर्ती किया गया है, और इतनी तबीयत उसकी अस्वस्थ है कि डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए हैं, बचने की संभावना नहीं है। ये सुनकर मैं बेहद विचलित हो गया कि केशव के साथ ही हो क्या रहा है,
एक के बाद एक तकलीफें उसके जीवन में कैसे आ रही है, क्योंकि केशव मेरा करीबी मित्र है। अभी 3 महीने पहले की तो बात है, उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसका इलाज अभी चल ही रहा था कि उसके पिताजी को अस्थमा का अटैक आ गया, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनका इलाज, उनकी रिकवरी चल ही रही थी कि माधव छोटा भाई अस्वस्थ हो गया और डॉक्टरों ने तो हाथ ही ऊंचे कर दिए हैं। मैंने सोचा बेचारा केशव कैसे ये सारा हैंडल करेगा, माँ अस्वस्थ, पिता अस्वस्थ, भाई अस्वस्थ, पर मैं यहाँ दिल्ली बैठा उसकी कुछ मदद भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर जा नहीं सकता था उसकी मदद के लिए मुंबई। मैंने उससे फ़ोन पर ही बात की, उसे तसल्ली दी, सांत्वना दी और फिर वापस अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गया। करते करते 25 दिन पूरे हो गए, मेरा प्रोजेक्ट का काम लगभग 90% पूरा हो चुका था और हाथ में मेरे 5 दिन थे जो पूरा फिनिशिंग टच मुझे देना था अपने प्रोजेक्ट को। मैं उसी में व्यस्त था कि मेरे पास समाचार आया कि अब केशव अस्वस्थ है, उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये सुनकर तो मैं धक रह गया कि पूरा का पूरा परिवार हॉस्पिटल में है, उन्हें संभालेगा कौन? दूसरा, केशव की फाइनेंशियल स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि इतना इतना बिल भर सके, कैसे मैनेज करेगा, कौन मैनेज करेगा? और मैं यहाँ पर 5 दिन के पहले यहाँ से निकल नहीं सकता ताकि थोड़ा सा तो उसे हिम्मत बंधाऊँ। खैर, मैंने केशव की खैरियत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और वापस व्यस्त हो गया अपने प्रोजेक्ट को फिनिशिंग टच देने में। 4 दिन निकल गए, मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मैंने कंपनी में सबमिट किया और पहली फ्लाइट पकड़कर निकल पड़ा मुंबई के लिए। और फ्लाइट में बैठते से ही मन बना लिया था कि मैं एयरपोर्ट से सीधा ही केशव से मिलने अस्पताल जाऊंगा। और पूरे रास्ते शब्दों का जमा जोड़ करता रहा कि उसे ऐसा क्या कहूँ जाकर कि उसे तसल्ली हो, उसे सांत्वना मिले, उसका जी टिके, क्योंकि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति, इतनी विपरीत परिस्थिति, कैसे क्या मैनेज हो पाएगा। रास्ते भर मैं शब्दों को जोड़ता रहा, ऐसे शब्दों को जो उसे तसल्ली दे सके, सांत्वना दे सके, उसे हिम्मत बना सके। मैं मुंबई एयरपोर्ट उतरा, सीधा केशव के पास पहुंचा और जब मैं अस्पताल पहुंचा, उस वक्त विजिटिंग आवर चल रहा था, इसलिए केशव को ढेर सारे लोग घेर कर खड़े थे, उसके परिचित, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त। वो तो पलंग पर लेटा हुआ था और इर्द गिर्द सारी भीड़ जमा थी और सारे के सारे लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे कि अरे केशव, ये क्या हुआ है, तुम्हारे घर को किसी की नज़र लग गई, बुरी नज़र लग गई है, भगवान को भी अभी परीक्षा लेनी थी क्या, पता नहीं और क्या क्या तुम्हारे जेब में लिखा है, अब और क्या क्या देखने मिलेगा, ये ठीक नहीं है, अभी भी तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, भाई अभी भी अस्वस्थ है, तुम अस्वस्थ हो गए, पता नहीं और आगे क्या क्या चीज़ें तुम्हारे भाग्य में लिखी है, सारी परीक्षा, सारी विपत्तियाँ अभी आनी थी क्या, इस तरह की सारी बातें इर्द गिर्द हो रही थी। पर राघव कहते हैं कि मैं देख रहा था कि जो इर्द गिर्द लोग थे वो तो सारे नकारात्मक बातें कर रहे थे, लेकिन केशव बेहद शांति से, पॉजिटिविटी के साथ उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, शांत था, एकदम आराम से उत्तर दे रहा था। इतने में विजिटिंग आवर पूरा हुआ, सारे के सारे लोग चले गए, पर मैं रुका हुआ था क्योंकि अभी तो मैं उसे पर्सनली मिला ही नहीं था। जब सारे लोग चले गए, वो तो पलंग पर लेटा हुआ ही था, मैंने कुर्सी उसके नज़दीक सरकाई,
उसका कमजोर हाथ अपने हाथ में लिया और रास्ते भर जिन शब्दों को मैं जोड़ रहा था उनको पिरोने लगा कि किस तरह से इसके आगे बोलना शुरू करूं कि इसको थोड़ा सा अच्छा लगे। अभी मैं उन शब्दों को पिरोने में लगा हुआ ही था कि केशव सामने से बोल उठा कि राघव, ये मेरे जीवन का सर्वोत्तम वर्ष है। ये साल जो है मेरे जीवन का सर्वोत्तम वर्ष है, सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। मेरी माँ सुरक्षित घर वापस आ गई, मेरे पिताजी कल परसों में घर आ ही जाएंगे, मेरा भाई तो मृत्यु के मुख से वापस आ गया और दो चार दिन में मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। इससे अधिक मैं ईश्वर से क्या मांग सकता हूं? बिना मांगे तो उसने सब कुछ दे दिया। राघव, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ईश्वर का किन शब्दों में धन्यवाद करूं, कैसे आभार प्रकट करूं जो कृपा उसने मुझ पर बरसाई है। मेरे पास धन्यवाद के लिए, आभार के लिए शब्द नहीं है। राघव कहते हैं, मैं देखा, कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए, गला भर्रा गया, कैसे धन्यवाद करूं। और उसे उस अवस्था में देखकर मैं भी गदगद हो गया, मेरे भीतर भी कुछ कुछ होने लगा और मैं सोचने लगा कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी विपरीत अवस्था में भी, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक रह सकता है, ईश्वर का धन्यवाद कर सकता है। धन्य हूँ केशव, धन्य हूँ। मेरा मन हुआ उसे साष्टांग प्रणाम करूं। राघव लिखते हैं, उसके इस व्यवहार को देखकर मेरा मन हुआ उसे साष्टांग प्रणाम करूं। मैंने मन ही मन उसे साष्टांग प्रणाम किया। मैं देख रहा था इतनी प्रतिकूल परिस्थिति, इतनी विपरीत अवस्था, पैसों की व्यवस्था ने, परिवार के सारे सदस्य अस्वस्थ, इसके बाद भी उसने न तो भगवान को दोषी ठहराया न ही भाग्य को, वो तो अंधेरे में भी प्रकाश को देख रहा था। उसके इस दृष्टिकोण ने, लिखते हैं राघव कि उसके इस दृष्टिकोण ने उस दुख भरे क्षणों को भी सेलिब्रेशन में बदल दिया। इतने में ही सिक्योरिटी वाला आया और मुझे भी बाहर जाने कहने लगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका था विजिटिंग आवर का। मैं केशव से गले मिला, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की शीघ्र स्वस्थ होने की और बाहर निकल आया। निकलकर टैक्सी पकड़ी घर आने के लिए। रास्ते भर भी मेरे जेहन में केशव से हुई मुलाकात घूम रही थी। मैंने सोचा, मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, वो ये कि भीतर से अच्छा महसूस करते रहो और ईश्वर का आभार प्रकट करते रहो। भीतर से अच्छा महसूस करते रहो और ईश्वर का आभार प्रकट करते रहो। पर इतने विपरीत परिस्थितियों में ये कैसे हो पाएगा? पर जब मैं केशव से मिलकर निकला तो और भी ढेर सारी चीजों का मुझे एहसास हुआ।
वो ये कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारे ग्रंथों में कई सारे मुहावरे और कहावतें दी गई हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, ये समय भी बीत जाएगा। पक्ष का सकारात्मक मोड देखो, लिखते हैं राघव कि विपरीत परिस्थितियों में यदि ये शब्द हमें सुनने मिल जाए या पढ़ने मिल जाए, ये हमारे भीतर एक आशा का संचार कर देते हैं और हम उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छा ही खोजने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। जब हम उस प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छा खोजने लगते हैं तो जो आप खोजते हैं वो चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं, क्योंकि जिन खोजा तिन पाया। तो जब आप इस पर काम करने लगते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा खोजने लगते हैं, ऐसे में आपके भीतर कौन से गुण आने लगते हैं, लिखते हैं राघव, विनम्रता आपके भीतर आने लगती है, धैर्य आने लगता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और ये वो चीजें हैं, विनम्रता, सहनशीलता, आत्मविश्वास, जो आपके भीतर ये अवस्था कर देती है खुशी आनंद उत्साह की। और जब ये अवस्था हो जाती है तो आसानी से आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि सफलता प्यार आदर सम्मान आकर्षित करने लगते हैं। अभी और बाकी है। अब प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, या कह लीजिए हम कहते हैं विपरीत समय या विपरीत वातावरण, कुछ भी आपके विपरीत चल रहा है या किसी भी समस्या से इस वक्त आप घिरे हुए हैं, तो हमारे ग्रंथ, हमारा शास्त्र नारायण शास्त्र क्या कहता है इस बाबत कि ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, ये आप हैं। ये आपकी समस्या, ये आप हैं, ये आपकी समस्या सामने। आप देखिए पृथ्वी पर भारत देश में ही कितने सारे ग्रंथ हैं, श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण, वेद, पुराण, अन्य ग्रंथ, पर इन सब में दो ग्रंथ ऐसे हैं जो जगह जगह जिनका मनन होता है, पाठ होता है, श्रीमद्भगवद्गीता और रामायण। ये दो ग्रंथों के बारे में यदि जरा सा भी हम पूछें तो आप में से 100% लोग जवाब दे देंगे, 100% लोग बता देंगे अर्जुन कौन था, राम कौन थे, ये सब पता है। पर यदि वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, उपनिषद की बात करें, तो शायद हम उत्तर न दे पाए। पर ये दो लोकप्रिय प्रचलित ग्रंथ हैं, है ना, ये क्या कहते हैं। देखिए गीता सार क्या कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
वो भी अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। ये तो सबको पता है ना, गीता सार कहता है। और रामायण में कहा गया है कि जो भी कुछ हो रहा है आपके मंगल के लिए हो रहा है, आपके शुभ के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। तो दोनों चीजें सेम है ना, आपके मंगल के लिए, आपके शुभ के लिए, आपकी भलाई के लिए हो रहा है, है ना। अब हमें इन दो ग्रंथों की बात को कस के पकड़ लेना है। अब इस बाबत नारायण शास्त्र क्या कहता है, ये तो भगवद गीता ने कहा, ये कहा रामायण ने, पर नारायण शास्त्र क्या कहता है। ये समस्या आपकी आई, समस्या सामने, अब यदि आप इस छोटा सा हम इसको ग्रंथ को ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, अब इसे हमने आँख के आगे रखा, आपको कुछ और दिखाई देता है क्या? रख के देखो, ये आँख बंद करिए ग्रंथ का, हमें कुछ नहीं दिखता, हमें खाली हमारी समस्या दिखाई देती है। और जितना नज़दीक इसको लाओगे उतना बड़ा दिखेगा, करके देखिए आप, उतना ये बड़ा होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आप जितनी अधिक इसकी चर्चा करेंगे, मुझे परेशानी है, मुझे समस्या है, मुझे तकलीफ है, इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, है ना। जब वो कहता है कि विधि के हर विधान में मंगल छिपा हुआ है, मंगल भरा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यदि उस अवस्था में आपने उस चीज को पकड़ लिया कि जो घटना घटी है वो मेरे अच्छे के लिए है, जो ही आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि मेरे भले के लिए हो रहा है सब कुछ, चाहे इस क्षण इसमें मुझे मेरी भलाई दिखाई नहीं दे रही, पर ये किस लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है, तो ये साइज आपकी छोटी 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 होती चली जाएगी। नारायण शास्त्र कहता है ये समस्या आई है, परेशानी आपके सामने है, इस वक्त आपको खाली यही दिखाई देती है ना। अब जितनी इस पर चर्चा करेंगे, जितनी चिंता करेंगे कि ये परेशानी है, पता नहीं आगे क्या परेशानी आने वाली, क्या तकलीफें आने वाली, इसके पीछे और भी परेशानियां हैं। कि कई बार बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना है, विपत्ति अकेली नहीं आती, तो हमारा स्वभाव है, और आगे क्या, और आगे क्या, और क्या, इसके साथ ये चीजें साथ, इसके साथ ये चीजें भी है, ध्यान से सुन लीजिए, और इसके साथ ये चीजें भी है। ये समस्या आपके सामने, इसके पीछे इसकी भी लाइन लगी हुई है और समस्याओं की भी, और इसके पीछे ये जैकपॉट की लाइन भी लगी हुई है। लिखता है ना, मंगल है, मंगल है, मंगल है, है ना। पर जब ये समस्या सामने है, इसके इस दौरान जब इस समस्या से आप जूझ रहे हैं, जितने आप नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप इनको 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 आकर्षित करते रहेंगे। और यदि आपने सिर्फ इतना कहा कि महान ग्रंथों में लिखा है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, इमीडिएट ये डिसअपीयर हो जाएगा ये सारा पैकेज। तो नारायण शास्त्र कहता है समस्या, जब कोई समस्या से जूझ रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, एकदम मौन ले लीजिए, एकदम मौन रखिए, सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते रहिए कि ये हटे और जैकपॉट हमारे हाथ में आ जाए। ग्रंथों की बातें, ये जो चीजें हो रही हैं इस वक्त प्रत्यक्ष में मुझे सही उचित नहीं लग रही है, पर ये हो मेरे भले के लिए रहा है। आपने जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, ये सारा पैकेज आपका और बढ़ता जाएगा, इसके बाद एक के बाद एक आता चला जाएगा। आपने बोला मुझे पता है
कि ये चीज़ें मेरे भले के लिए हो रही, मेरे अच्छे के लिए हो रही, ये अच्छा 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 आपके जीवन में आता चला जाएगा। चॉइस आपकी है। बोल दीजिए नारायण नारायण। दूसरी कहानी राधा के माध्यम से आप तक। राधा कहती है, सारी सत्य घटनाएं पहुंचा रहे हैं आपके पास। राधा कहती है, एक दिन की बात, सुबह का वक्त था, विंटर सीजन था, इन ठंड का मौसम था। मैं BEST की बस पकड़कर अपने कॉलेज जा रही थी। उस बस में मेरे कॉलेज के और भी सारे विद्यार्थी भरे हुए थे। चूंकि मुझे खिड़की के बगल की सीट मिली थी, मैं वहाँ पर बैठी थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। आगे जाके जब बस स्टॉप पर बस रुकी, अगले बस स्टॉप पर जब बस रुकी, तो मैंने देखा कि फुटपाथ पर एक बूढ़ा व्यक्ति सोया हुआ था, रोड पर ही सोया हुआ था। ठंड का मौसम था, बेचारा ठिठुर रहा था ठंड से, और शरीर पर सिर्फ एक पतला सा शर्ट था, कांप रहा था। उसकी ये अवस्था देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई और मेरा सारा ध्यान उसी पर था। मेरी बगल वाली सीट पर मेरी ही कॉलेज का एक लड़का बैठा हुआ था। उसने मुझे पूछा, इतना ध्यान से किसे देख रही हो? मैंने कहा, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति सोया हुआ, बूढ़ा व्यक्ति लेटा रोड पर लेटा हुआ है, उसको ठंड से ठिठुरते देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है, मैं उसी को देख रही हूँ, कितना ठंड से ठिठुर रहा है ये। वो व्यंग करते हुए मुझसे बोला कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, जो तुम्हें इतनी उस पर दया आ रही है, इतना ध्यान से उसे देख रही हो, बॉयफ्रेंड है क्या? जोर से बोला और हा 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 करके हंसने लगा, मुझे व्यंग किया, ताना मारा। उसका इतना भरखैना था कि बस के भीतर जितने भी कॉलेज के विद्यार्थी थे, सारे के सारे मुझ पर हंसने लगे, मेरी हंसी उड़ाई जाने लगी। वो देखो उसका बॉयफ्रेंड है, और वो गर्व से खुशी से सीना तान के खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, व्यंग भरी मुस्कान। बस आगे बढ़ी, बस स्टॉप आया, कॉलेज पहुंची। जब शाम को जब मैं कॉलेज से घर लौटी, घर लौटते से पहला फोन मैंने मेरे पिताजी को किया कि आप ऑफिस से जल्दी घर आए, मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की कुछ सहायता करनी है, कुछ मदद करनी है। मेरे पिताजी ने भी मेरी बात मानी, तुरंत हामी भर दी और आगे की सारी मीटिंग कैंसिल करके घर जल्दी आ गए। उनके आते से ही हमने एक ब्लैंकेट निकाली, मेरी माँ ने एक ब्रेड का पैकेट दिया, कुछ बिस्किट के पैकेट दिए, थोड़े से फल दिए और 3-4 मेरे पिताजी के पुराने शर्ट दिए। ये सारा सामान हमने थैले में भरा, गाड़ी में बैठे उसके पास पहुँचे। पर जहाँ मैंने सुबह उसको देखा था, वहाँ तो वो था ही नहीं। अब उसकी खोजबीन जारी करी तो लगभग 1 किलोमीटर दूर वो हमें बैठा हुआ दिखा। जो ही वो दिखा, हम कार से उतरे, सारा सामान उसके पास पहुंचाया। अब चूंकि सुबह तो मैंने उसे बस में से देखा था, दूर से देखा था, तो मुझे वो अस्वस्थ नज़र आ रहा था। पर अब जब मैंने नज़दीक से देखा तो पाया कि ये न सिर्फ शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, बल्कि ये तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। सारा सामान उसे देखकर हम घर वापस लौट आए। मुझे खुशी तो हुई उसे सामान देखकर, पर मुझे भी संतुष्टि नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उसके लिए घर की व्यवस्था भी करना चाहती थी। हम घर लौटे, दूसरे दिन वापस मैं उसी बस से, उसी रास्ते से जब जा रही थी, तो मैंने देखा कि वो एक बेंच पर लेटा हुआ था, उसी ब्लैंकेट को ओढ़े हुए जो हमने पिछली रात उसे दी थी, एकदम अच्छे से सोया हुआ था। अगेन मुझे देखकर खुशी तो हुई पर संतुष्टि नहीं, क्योंकि मुझे उसकी और भी व्यवस्था करनी थी। अगेन दूसरे दिन जब मैं शाम को वापस घर लौटी, पिताजी को फ़ोन किया, जल्दी बुलवाया और उनसे कहा मुझे उसकी कुछ व्यवस्था करनी है। पिताजी ने ऐसे आश्रमों की इंक्वायरी की
जहाँ पर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को भर्ती कराया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है। हम निकल पड़े। एक आश्रम की हमें जानकारी अच्छी मिली। वहाँ की सारी इंक्वायरी करने के बाद मुझे तसल्ली हुई और उस अस्वस्थ बूढ़े व्यक्ति को ले जाके हमने वहाँ पर भर्ती करवा दिया। जब भर्ती करवा कर बाहर आ रहे थे, तब मुझे खुशी और संतुष्टि दोनों हुई कि उसकी व्यवस्था हमने सुचारू तरीके से कर दी। जब मैं वापस आकर कार में बैठी, तो पिछला दिन और आज का दिन वो सारा मेरे दिमाग में घूम गया। मुझे वो लड़का भी याद आ गया जिसने मुझ पर ताना कसा था, व्यंग कसा था कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है क्या। मुझे ये एहसास हुआ कि जब उसने मुझे ताना मारा, व्यंग करा, उसे खुशी मिली, उसे गर्व हुआ। खुशी मिली, गर्व हुआ, पर वो खुशी, वो गर्व कितनी देर का था? क्षणिक, कुछ क्षणों का। पर जो मैंने किया, मुझे पता है ये खुशी, ये संतुष्टि जीवन भर मेरे साथ रहेगी। लिखती है राधा कि यदि मुझसे कोई पूछे वो खुशी सही थी या मुझे जो खुशी मिली वो सही थी, तो मैं कहूँगी कि मैंने जो किया वो सही था। आप क्या कहेंगे? इसी तर्ज पर दिल्ली के नरेंद्र नागर लिखते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस गया था स्पीड पोस्ट करवाने के लिए। मेरा बिल हुआ 55 रुपया। मैंने काउंटर पर बैठे व्यक्ति को 100 का नोट थमाया। उसने मुझसे पूछा कि 5 रुपये छुट्टे हैं क्या, क्योंकि 55 का बिल हुआ था। मैंने अपनी जेब टटोली, कुल 4 रुपये थे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास 4 ही रुपये हैं। बोला कोई बात नहीं, दे दीजिए। मैंने 4 रुपये निकालकर उसे दिए और मैंने देखा अपनी आँखों से कि उसने खुद की जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाला और उस पोस्ट ऑफिस के गले में डाल दिया। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा कि मैं अभी आपको 1 रुपया लाकर देता हूँ। वो बोला कोई बात नहीं और रसीदें मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं निकल आया। 1 हफ्ते बाद की बात, वापस मेरा उसी पोस्ट ऑफिस जाना हुआ और संयोग से वही व्यक्ति काउंटर पर बैठा हुआ था। जो ही मैंने उसे देखा, मेरे मन में विचार आया कि आज इसका हिसाब चुकता कर दूंगा, जितने का बिल आएगा उससे 1 रुपया अधिक दे दूंगा। आज का बिल बना 46 रुपया। मैंने जेब से 50 का नोट निकाला, उसे देते हुए कहा कि 47 रुपया काट लीजिए। वो समझा नहीं। मैंने उससे कहा कि पिछली बार आपने अपनी जेब से 1 रुपया डाला था, वो 2 रुपया आप काट लीजिए। उसका जवाब था कि मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही, तो मैं तो उतने ही पैसे लूँगा जितने का बिल हुआ है और 4 रुपये मुझे लौटा दिए। 46 का बिल था, 4 रुपये लौटा दिए। मैं असमंजस में वहाँ खड़ा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे असमंजस में देख उसने मुझसे कहा कि ऐसा है कि यदि आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत के वक्त किसी ने आपकी मदद की थी, तो सीधा सा तरीका है कि आप भी किसी दूसरे की जरूरत के वक्त मदद कर दीजिएगा। मैं सुनकर दंग रह गया। लिखते हैं मिस्टर नागर, दंग रह गया कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या। बात 1 रुपये की नहीं थी, बात उस फलसफे की थी जिस पर वो यकीन करते हैं।
कि यदि ज़रूरत के वक्त किसी ने आपकी मदद की है तो उस ऋण को चुकाने का एक ही तरीका है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत के वक्त मदद कर दीजिए। कितना अच्छा हो यदि ये हवा फैल जाए कि आज आपने मेरी मदद की, मैंने दूसरे की, दूसरे ने तीसरे की। कितना सुंदर समाज बन जाएगा ये। रॉबिन शर्मा राइटर लिखते हैं, पहुंचे हुए लेखक हैं, स्पीकर हैं, लिखते हैं कि एल्डस हक्सले, पहुंचे हुए विद्वान एल्डस हक्सले मृत्युशैया पर थे, डेथ बेड पर थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे, किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती थी। ऐसी अवस्था में किसी ने उनसे पूछा कि जाते जाते आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? गर्दन हिलाई, यस। और पूरे जीवन जब उन्होंने ज्ञान हासिल किया था, पहुंचे हुए विद्वान डेथ बेड पर हैं, जो ज्ञान हासिल किया था उस पर एक नजर डालते हुए और पूरे शरीर की शक्ति बटोरते हुए, क्योंकि मृत्युशैया पर थे, शक्ति बटोरते हुए बोले कि एक दूसरे के लिए अच्छे बने। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए अच्छा बने, यानी हर व्यक्ति के लिए अच्छा बने। लिखते हैं रॉबिन शर्मा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, उसके लिए मेहनत भी करता है और चाहता है कि न्यूज़पेपर में नाम छपे और उसे ही सफलता मान लेता है। पर यदि सचमुच में आप सफल होना चाहते हैं, एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो रोज रोज कम से कम एक अच्छाई भरा कार्य करें, एक, ताकि आपको एहसास हो, आपको महसूस हो कि आप सचमुच में एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। लिखते हैं रॉबिन शर्मा कि हर व्यक्ति जो भी आपके जीवन में प्रवेश करता है उसके पास कोई ना कोई सबक है, कोई ना कोई कहानी है आपको सुनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। और हर व्यक्ति जो भी आपके संपर्क में आता है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सुख शांति समृद्धि प्यार आदर सम्मान। लिखते हैं रॉबिन शर्मा कि हर एक व्यक्ति जो भी आपके संपर्क में आता है वो आपको मौका देता है, चांस देता है कि आपके भीतर जो अच्छाई है, जो इंसानियत है, उसे जताने का, बताने का, दर्शाने का। फिर क्यों नहीं आप उस मौके का लाभ उठाते, फायदा उठाते, जताएं जो भीतर इंसानियत है, अच्छाई है, जताएं, बताएं, दर्शाएं। ये जो अच्छाई, ये जो इंसानियत आप जता रहे हैं, बता रहे हैं। लिखते हैं रॉबिन शर्मा, आप समझ लीजिए कि इस धरती पर रहने का आप रेंट चुका रहे हैं। उधार करके मत जाइए, चुकत करके जाइए। कैसा भाव होना चाहिए आपका? इस प्रसंग के साथ कई बार ऐसा होता है कि कई प्रसंग पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं, पब्लिक में सुनाते हैं, और उसके साथ साथ कई फिल्में गीत भी लगता है कि इस प्रसंग के साथ सूटेबल है। पहली लाइन सूटेबल है, सेकेंड लाइन उसमें नकारात्मक शब्द आ जाते हैं तो हमें रोकना पड़ता है।
आज भी वही अवस्था, वही व्यवस्था। पहली लाइन बहुत अच्छी है, हम सुनाएंगे उसको। सेकेंड लाइन कौन सा गीत है बता देते हैं, ताकि आप भी साथ में गा सकें। करना क्या है इस महीने, बहुत सुंदर गीत, कि ज्योत से ज्योत जगा, ये वाला गीत। इसमें अगली लाइन आती है कि राह में मिले जो दीन दुखी, सबको दीन दुखी शब्द तो हमको इस्तेमाल करना ही नहीं है ना। राह में मिले जो भी व्यक्ति, जहाँ दीन दुखी आएगा हमें जो भी व्यक्ति, इसका इस्तेमाल करना है। देखो ना, गीतों में कितनी ताकत है, कैसे ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं हम। हाँ, आज हमने सुना राघव को भी और राधा को भी। राघव ने केशव के माध्यम से हमें बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। हमने ये भी जाना कि नारायण शास्त्र क्या कहता है। हम हैं, हमारे सामने समस्या है, जितना उस समस्या के दौरान आप शांत रहेंगे, ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे और इस बात को माइंड में सेट करके कि जो घटना है, समस्या है, मेरे भले के लिए सामने आई है। जो ये हट ये पत्थर उठा, नीचे कलश, खजाने का कलश मुझे मिलने वाला है। जब बारंबार यही थॉट रहा तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी सिवाय वो कलश देने के। चॉइस आपकी है। राधा के माध्यम से हमने जाना कि कौन सी खुशी क्षणिक है और कौन सी खुशी आजीवन साथ रहने वाली है। आप क्या चुनना चाहेंगे? और एल्डस हक्सले, पहुंचे हुए विद्वान, पूरे ज्ञान, जितना ज्ञान पूरे जीवन भर समेटा था, उसका सार क्या कहा? सिर्फ इतना, अच्छे बनो, हर व्यक्ति के लिए अच्छे बनो। ये साधारण बात नहीं है। ये अच्छाई किसको आकर्षित करेगी? सुख को, शांति को, समृद्धि को, सफलता को। इसके पीछे क्या है? प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा। पर करना होगा किसको? बनना होगा अच्छा किसे? हमें। दो पंक्तियों के साथ वाणी को विराम, कि हर दिया आपकी दहलीज पर चले, हर दिया, और हर फूल आपके आंगन में खिले। हर दिया आपके दहलीज पर चले, हर फूल आपके आंगन में खिले। आपके जीवन का सफर हो इतना हसीन कि हर सुख हर खुशी आपके साथ साथ रहे, आपके साथ साथ चले, आपके साथ साथ रहे, आपके साथ साथ चले। I love you, I like you, I respect you, हमारी संस्था का मिशन, ये तो बजना ही बजना चाहिए। क्या मिशन है हमारी? हमारा इस महीने जिनका बर्थडे है,
जिनकी एनिवर्सरी है, साथ ही साथ आज जिनकी तरफ से प्रसाद है उनका धन्यवाद भी आशीर्वाद भी। राम राम इक्कीस से। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम चार, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। नारायण नारायण।